बांसगांव पुलिस ने अपनी ही पत्नी के हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के मालहनपार आंध्रा बैंक से 200 मीटर की दूरी पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शशि कुमार राजभर पुत्र केशव प्रसाद निवासी ग्राम चतुर बंधुआरी थाना बांसगांव के रूप में हुई है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि 9 जुलाई को सुबह 4:30 बजे कंट्रोल रूम से थाना को सूचना मिली कि ग्राम चतुर बंधुआरी में नीलम नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस को घटनास्थल पर मृतका के पति शशि कुमार मिले, जिन्होंने पुलिस को बताया कि 4 बजे शौच के लिए घर से बाहर गया था तथा जब शौच से वापस आया तो देखा कि मेरी पत्नी नीलम अपने कमरे में लगे पंखे से साड़ी से फंदा फंसाकर फांसी लगा ली है, जिसको हम लोगों द्वारा जल्दी जल्दी फंदे से उतारा गया परंतु उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के निरीक्षण व पति शशि के संदेहास्पद बयान और घटना की संदिग्धता को उच्चाधिकारी गढ़ो से अवगत कराते हुए मृतका नीलम के शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल में लाई जा रही थी कि मृतका नीलम की माता रमावती देवी पत्नी महेंद्र निवासी जंगल रसूलपुर नंबर 2 टोला नेकवार थाना जहां ने थाना पर आकर एक प्रार्थना पत्र दी और बताया कि मेरी लड़की की शादी 2 वर्ष पूर्व शशि कुमार से की गई थी, जिसके पति शशि द्वारा बार बार मेरी लड़की पर गलत लांछन लगाकर प्रताड़ित किया जाता था, जिस पर मृतका की मां की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना की रात शशि अपने ससुराल फोन कर बताया था कि आप अपनी लड़की को अपने घर ले जाएं, नहीं तो मैं बताऊंगा। मृतका के साथ अंतिम समय केवल वही था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाकर दम घुटने से होना पाया गया, जिसको देखते हुए शशि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बांसगांव थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक मनीष कुमार यादव, उपनिरीक्षक अजय कुमार, हेड कांस्टेबल मनीष सिंह, हेड कांस्टेबल पवन यादव सहित महिला कांस्टेबल अर्चना सिंह शामिल रहीं। Thank you.